हाँ हम भी आएंगे ऐसे स्ट्रीट फूड खाने के लिए बुरी तो शू पॉलिश किया जा रहा है और जिनका शू पॉलिश हो रहा है वो कहाँ पर जाके बैठे हैं उतना ऊपर बिल्डिंग में किस तरह से एंटर करते हैं इसका पूरा एक फुल गाइडेंस दिया हुआ है। जीरो डिजिटल लॉक्स बिकॉज़ ऑफ सेफ्टी रीजन। भूविंदिया गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेक्सिको। हम लोग मेक्सिको में आने के बाद हम लोग इस होटल में थे और अभी हम लोग होटल से शिफ्ट हो रहे हैं मेक्सिको में हमारे अपार्टमेंट में। तो दिव्येंदु ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें एक बड़ा वाला टैक्सी चाहिए, छोटे वाले टैक्सी में हमारा इतना सारा लगेज है वो नहीं जाएगा। ये कह रहे हैं कि शायद इतने सारे लगेज नहीं जाएंगे। तो बहुत सारा लगेज था और पूरा फुल हो गया है, यहाँ पर भी जगह नहीं है, सिर्फ इधर मैं और दिव्येंदु आ गए हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं। जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे। मैं इंडिया वेलकम थैंक यू ग्रेशियस। In Spanish we say mall in plaza. Spanish mall means plaza. Burrito, tacos, ये इनका street food जैसा है। और ये चल रहा है। हम भी कभी आएंगे दिव्येंदु यहीं से। हाँ हम भी आएंगे ऐसे street food खाने के लिए। Burrito, Quesadilla, tacos, ये सब चल रहा है। Tacos, quesadillas, pozole, okay, bambazos, bambazos, pan con papa, chorizo, salsa, chorizo, sí, sopes. De la mañana de todos lados se vende tamales. Okay. Tamal, torta o bolillo. Chilaquiles. ¿Ah? Chilaquiles. ¿Chilamane? Chilaquiles. Tortilla. Mira con carbonate. Tortilla. Taco, torta de chilaquiles. Mira con carbonate. Es pisco. Sí. ¿Arqui corre qué te qué te? ¿Qué te pis pis? ¿Qué te qué te arqui? बोलियो पन पन मतलब बन 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 बनाए लाउरेन ब्रेड तो काटे इमेज चिलाकिले इधर चिकी मुरे एकदम खाओ। गुड इनफॉरमेशन गुड यस यस देना व्हाट ए कन्वर्सेशन। पता नहीं और ये मेक्सिको का एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, ये आते हैं ये आपसे परमिशन लेते हैं और अगर आप लोग परमिशन ग्रांट करते हैं तो ये आपके कार के ग्लासेस जो है वो क्लीन कर देते हैं। मैंने न्यू बिल्डिंग लेफ्ट साइड में क्या है कुछ नहीं है क्या करें वैसे भी तो इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो अपने लैंग्वेज में बात करो बंगाली हिंदी जो भी है क्या फर्क पड़ता है और क्या दिख रहा है देखते हैं पिरामिड कहाँ पे वेयर पिरामिड चलो भाई उधर चल रहे हैं। ये हमको इन्फॉर्मेशन देने में ये इतना ज़्यादा मतलब इनको इन्फॉर्मेशन देने इतना ज़्यादा पसंद है कि पीछे जो जितनी भी कार थे वो हॉर्न कर रहे थे पूरा ट्रैफिक हो गया था वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि यहाँ पर आसपास क्या कुछ है और यहाँ पर ये मतलब शू पॉलिश किया जा रहा है और जिनका शू पॉलिश हो रहा है वो कहाँ पर जाके बैठे हैं उतना ऊपर मतलब सिंहासन में बैठा के सिंहासन के बैठा और जूता पॉलिश करो कहाँ चढ़ा दिया इसको मैसेज में।
तो हम लोग पहुंच गए हैं हमारे इस एरिया में. ये है एरिया और ये वाला है बिल्डिंग. तो यहाँ पर एक फुल गाइडेंस दिया हुआ है कि इस रूम में किस तरह से एंटर करते हैं, इस बिल्डिंग में किस तरह से एंटर करते हैं, इसका पूरा एक फुल गाइडेंस दिया हुआ है. जीरो डिजिटल लॉक्स बिकॉज़ ऑफ सेफ्टी रीजन. तो मेक्सिको में हमारा जो अपार्टमेंट है वो ये है. यहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पर शिफ्ट हुए हमें 17 डेज हो गया है. तो ये वाला जो अपार्टमेंट था हमने फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट लिया था और जो जो अमेनिटीज रिक्वायर्ड है सब कुछ है यहाँ पर. तो ये वाला है हमारा अपार्टमेंट और यहाँ पर है किचन एरिया. तो किचन एरिया में यहाँ पर सब कुछ है जो जो अमेनिटीज़ होनी चाहिए किचन में, जो जो कुछ रिक्वायर्ड होता है सब कुछ यहाँ पर है. ये माइक्रोवेव है, डिश वॉशर है, हॉब है, रेफ्रिजरेटर है, प्लेट्स, डिश, सब कुछ है यहाँ पर. और यहाँ पर ये ओपन किचन है, यहाँ एक डाइनिंग टेबल दिया हुआ है, ये हमारा लिविंग रूम है. और यहाँ पर है ड्राइंग रूम में एक बालकनी. यहाँ पर मैं और दिव्येंदु इवनिंग टी लेते हैं यहीं पर. और ये है, ये जो अपार्टमेंट है ये हमारा 13th फ्लोर में है. और इसके बाद है ये वाला रूम. ये वाला जो रूम है ये दिव्येंदु का ऑफिस रूम है. एक्चुअली ये खुद किड्स रूम है लेकिन यहाँ पर अपना खुद के लिए ऑफिस रूम बना लिया. हाँ, यहाँ पर वार्डरोब्स है, यहाँ पर वार्डरोब्स है पूरे. और यहाँ से जो व्यू है ये भी बहुत अच्छा है. यहाँ ये नीचे है हमारे 7-Eleven और यहाँ पर ये वाला जो ब्लैक बिल्डिंग है यहाँ पर एक सुपर मार्केट है. यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और वहाँ ये रोड के उस साइड ये है मेक्सिकन लोकल कॉलोनीज और वहाँ पर माउंटेन एरिया है. तो इस रूम से बाहर सामने ये वाला एक गेस्ट वॉशरूम है और इस साइड है वॉशिंग रूम है. यहाँ पर वो ड्रायर है, ये वॉशिंग मशीन है और यहाँ पर ये वॉशिंग रूम है. ये है हमारा बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है. यहाँ पर भी सब वार्डरोब, सोफा यहाँ पर है. ये है हमारा बेडरूम और यहाँ पर एक बालकनी है. ये एक छोटा वाला बालकनी है. क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स है तो यहाँ का जो एयर है बहुत ही फ्रेश एयर होता है और बहुत ही प्योर होता है और हमेशा विंडी वेदर रहता है. ये है माउंटेन्स. और ये है मेक्सिकन लोकल कॉलोनीज. और यहाँ एक और वॉशरूम है. ये है हमारे बिल्डिंग का बैक एंट्रेंस. ये पार्क एरिया है. बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है और आपको वॉकिंग करना है और आराम से बैठना है. हाँ, आप यहाँ पे आ सकते हो. हाँ, यहाँ पर पार्क्स है, जॉगिंग ट्रैक है. हाँ, यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड है, टेबल टेनिस ग्राउंड है, पार्टी एरिया है जहाँ पर रात को और हमेशा हर रोज रात को पार्टी होती रहती है. कोई ना कोई पार्टी चलता रहता है. बारबेक्यू करने का जगह है. बारबेक्यू स्टेशन भी है यहाँ पर. ये दोनों है बारबेक्यू स्टेशन जो हर रोज होता है. हाँ, हर रोज बहुत ही
मतलब पार्टी फ्रीक लोग है और यहाँ पर कहीं पर हमारा अपार्टमेंट है वो 13th फ्लोर में उधर। जहाँ हम लोग कभी नहीं आए, जो हम लोग कभी नहीं आए, हम लोग इधर जिम से बाहर ये है स्विमिंग पूल, ये है किड्स क्लब, किड्स प्ले एरिया है, यहाँ पर इसी तरह के बहुत हाई सिक्योरिटी होते हैं हर एक जगह में, हर एक जगह घुसने के लिए, और जो मेन एंट्रेंस, फिर लिफ्ट में आने के लिए, फिर ऊपर जाने के बाद, फिर जिम, स्विमिंग पूल, एवरीवेयर मल्टीपल सिक्योरिटी है। और यहाँ पर जिनके रो हाउसेस हैं उनके भी जो फेंसिंग होते हैं वो बहुत ऊंचे, फेंसिंग जो है वो बहुत ऊंचे है। तो अगर आपको हमारा ये मेक्सिको से रिलेटेड ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे हम फ्यूचर में जो वीडियोस बनाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।